कल आप लोग जो बिरसा मुंडा राजपथ है वहां पर एक कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय, वहां पर कल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी आप लोगों से बात कर रहे थे। बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात करते करते दिल की इच्छा जो निकलती है वो भी व्यक्त हो जाती है। कल ऐसा ही उनके जो दिल का एक तमन्ना है, वो तमन्ना हमको लगता है कि जब दुमका बाई इलेक्शन हो रहा था, बेरमो बाई इलेक्शन हो रहा था, उसी वक्त से उनका ये चल रहा था कि नतीजे आएंगे और सरकार बदल जाएगी। लेकिन सरकार ना केवल तंदुरुस्त रही और ज्यादा मजबूती के साथ लोगों के जिस कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने आने का काम किया था उन कमिटमेंटों को पूरा करने लगी। बाबूलाल जी ने कहा कि 2024 तक हम इंतजार नहीं कर सकते, उसके पहले हमें उखाड़ फेंकना है। तो आप ही लोग में से कुछ लोगों ने पूछा कि कैसे उखड़ेगा सरकार, बोले है उखड़ जाएगा और हम सरकार बना लेंगे। अब ये अरिथमेटिक हम लोगों को समझ में नहीं आया कि 25 भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक किसी तरह बंगला में कहावत है सिंह भेंगे बाछुड़े तोले, मतलब सिंह को तोड़कर बछड़े के पाले में घुस जाना। बाबूलाल जी उस तरह से घुस गए भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद सरकार बनाने के जो आंकड़े वो उसी में फुस हो जाता है। तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार एक ही तरह से बन सकती है, जो बाबूलाल जी के दिल की बात है, वो है कि केंद्रीय एजेंसियों से डरा धमकाकर ईडी आईटी का सीबीआई का उपयोग कर, जिस प्रकार महाराष्ट्र में पहले ईडी के केस किए जाते हैं, उन्हें समोन भेजा जाता है और उसके बाद लोग आसाम चल जाते हैं गुजरात के रास्ते और वहां पर सरकार बन जाती है। यही फॉर्मूला बाबूलाल जी जो कह नहीं पाए लेकिन उनकी दिल की बात निकल ही गई थी और वो चरितार्थ हो रहा है, अब दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा मशहूर निकाह में एक गजल था, दिल के अरमां आंसुओं में रह गए, आंसुओं में बह गए। तो बाबूलाल जी भी हमको लगता है अंतिम में यही गजल गाएंगे 2024 के दिसंबर के बाद, जब पुनः थंपिंग मेजोरिटी के साथ, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हेमंत सोरेन जी फिर से सरकार बनाएंगे और शायद वह राजधनवार भी नहीं बचा पाएंगे, तब उन पर यह गजल फिट बैठेगा। कहना क्या चाहते हैं? हम लोगों ने 1 तारीख को हेमंत जी के जो वकील है वैभव तोमर जी, उन्होंने 1 तारीख को ही चुनाव आयोग को कहा, लिखित दिया कि राज्यपाल महोदय रायपुर में एटम बम की बात करते और दूसरा ओपिनियन की बात करते, इसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि नैसर्गिक न्याय के तहत यह जरूरी है कि जो पहला ओपिनियन है वो तो हम लोगों को मिलना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप कदम उठा ले। हम लोगों ने मांगा, अभी तक उसका भी जवाब नहीं आया, 4 दिन हो गए। 1 तारीख को दिया गया था, आज 5 तारीख हो गए। लोग केवल और केवल एक नया रोज का रोज ड्रामा, क्योंकि लगातार सरकार आपके गांव टोले तक जा रही है, लोगों से सीधा संवाद कर रही है, उनसे पूछकर उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही है, यह भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगने लगा। कल उन्होंने कहा कि आपको जांच से डर क्यों है? हम कह रहे हैं हमको जांच से कहां डर, लेकिन एक प्रक्रिया तो होती है। हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री, उनके कार्यक्रम तय है, उनके कार्यक्रम को आप कैसे रोक सकते हैं? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।